Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोडेड इनइक्वलिटी की सबसे अल्टीमेट ट्रिक, यानी कि मैजिक बॉक्स। ये मैजिक बॉक्स आपको हर तरह के कोडेड इनइक्वलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर हम बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन की, तो आप सभी जानते हैं कि कोडेड इनइक्वलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हमेशा कुछ इस तरह की फॉर्म में दिए होते हैं, या हमेशा लैंग्वेज की फॉर्म में दिए होते हैं कि इज नॉट ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, है ना। हमें क्या करना होता है, उसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मैं आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, दैट इज जिसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक बॉक्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक बॉक्स। अब ये मैजिक बॉक्स कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा वो समझिएगा। ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, ये फिक्स प्लेसेस हैं, ये हमेशा फिक्स रहेंगी। आप सबको हमेशा याद रखना है कि हाँ, मेरी जो टॉप की लेफ्ट और राइट की पोजिशन है, ये अगर लेफ्ट की है ग्रेटर देन की है, राइट की है लेस देन की है, इसी के डाउन में ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी के डाउन में लेस देन इक्वल टू, और ये है इक्वल का। अब इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे, ये जो ग्रेटर देन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एंड के साइन को। ये जो लेस देन है ये एट द रेट के साइन को। यही ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार के साइन को है, यही डॉलर है, यही परसेंटेज है। तो सबसे पहली बात, आपने इसको क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया है, पहली चीज जो आपको करना है। दूसरी बात, आपके पास कुछ इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बाद आपके पास कुछ कंक्लूजन होंगे। जैसे मैंने यहां पे दो कंक्लूजन लिए, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट बात सिखाना चाहता हूं। जैसे ही आपके पास कोई भी ऐसा एक इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन को आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है एक सिंगल इक्वेशन में, एक कोडेड की इक्वेशन में। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब है जब मैं इनको आपस में रिलेट करूंगा, क्योंकि अभी ये सभी क्या है, टुकड़ों में है। इसको रिलेट करते हैं अपन, कैसे रिलेट करेंगे कि ए स्टार बी डॉलर C परसेंटेज D एंड E, यानी कि जो कॉमन वेरिएबल है उस कॉमन वेरिएबल को मैंने हटा दिया। कई बार ऐसा भी होगा, इधर आपको C मिलेगा, इधर आपको B मिलेगा, तो आपको ये सिंबल चेंज कर देना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, और ये सिंबल आपको आमने सामने के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसी तरीके से जो भी कॉमन वेरिएबल है वो सब मैंने हटा दिए, और एक मैंने पूरी इक्वेशन आपके सामने यहां पर क्या कर दी, तैयार कर दी। क्लियर, पहली चीज ये करनी है। अब आप क्या करेंगे, आप सीधे अपने कंक्लूजन पे आएंगे। इसमें कंक्लूजन है ए एंड सी, यानी आपको लेफ्ट टू राइट का रिलेशन समझना है। क्या बोलता हूं मैं इसको बोलता हूं लेफ्ट से राइट का रिलेशन। इसने बोला है ए से लेके सी के बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। आपने यहां पे देखा ए से और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर मैं जाता हूं यहां पे, तो आपको क्या मिल रहा है, एक स्टार मिल रहा है, दूसरा डॉलर मिल रहा है। अब आप जरा यहां पे आओ, स्टार यहां पे और डॉलर यहां पे, ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमेशा आपके अपोजिट सिंबल को इंडिकेट करेगा। यहां पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, तो ये आपके रेफरेंस के लिए है। तो अगर ये अपोजिट सिंबल को यहां पे इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आप रिलेशन एस्टैब्लिश्ड नहीं कर सकते, और आप क्या बोलोगे, ये गलत है। अब यहां पे आओ, डी एंड बी, अगर आप डी से बी पे आएंगे तो ये कहां चेंज हो रहा है, ये राइट से लेफ्ट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो कि आपके स्टेटमेंट में राइट से लेफ्ट हो, या आपके कंक्लूजन में राइट से लेफ्ट हो, जस्ट कन्वर्ट इट। आपको क्या करना है, इसकी जगह लिख दो बी और इसकी जगह लिख दो डी, आपको यही करना है। नहीं, इसकी एक और स्टेप होती है, वो भी करना है। जैसे आप लेटर की प्लेसेस चेंज कर देते हो, इसका जो कोड है एंड, जैसे यहां पे एंड है, तो इसके सामने वाला हमेशा उठाना, ये ऊपर नीचे वाला नहीं आएगा, ये हमेशा आमने सामने वाला आएगा। तो एंड है तो आप क्या लिख देंगे, एट द रेट लिख देंगे, यानी बी एट द रेट डी आपका कंक्लूजन कन्वर्ट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। तो आपका क्या हो गया, कंक्लूजन कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसको नहीं चेक करना है, अब मैं इसको रहने दूंगा, और मेरा कंक्लूजन कन्वर्ट हो गया बी एट द रेट डी, ये सही है या ये गलत है ये चेक करेंगे। तो मैं यहां पे आया बी पे, यहां पे है डी पे, इन दोनों के बीच में कितने सिंबल है, दो सिंबल है, एक डॉलर है दूसरा परसेंटेज है। डॉलर और परसेंटेज को चेक करते हैं। जब भी मेरे पास डॉलर और परसेंटेज होता है, किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, आप खुद बताएंगे मुझे किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, लेस देन इक्वल टू की। क्या लेस देन इक्वल टू यानी कि डॉलर वाला साइन क्या आपको कंक्लूजन में देखने को मिल रहा है, आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, गलत कर देना है। क्या कर देना है, गलत कर देना है। हुआ आसान, सोचिए कितना आसान हो गया, सिंबल पे ही क्वेश्चन सही और गलत हो रहा है। इस बार मैं उसे कन्वर्ट ही नहीं कर रहा हूं उसके लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू के अंदर। द सेम थिंग मुझे यहां करनी है, बी डॉलर डी आ रहा है, बी से डी पे आऊंगा, लेफ्ट टू राइट आऊंगा, करने की जरूरत नहीं है चेंज, क्योंकि डायरेक्टली ऑलरेडी है। तो बी डॉलर डी चेक करते हैं, अगर यहां पे बी है यहां पे डी है, तो एट द यहां पे डॉलर और परसेंटेज है, डॉलर परसेंटेज में किसकी वैल्यू हाई है, आप कहोगे अरे सर ये तो डॉलर की वैल्यू हाई है। और अगर डॉलर की वैल्यू हाई है, तो क्या यहां पे डॉलर गिवन है, आप बोलोगे यस सर डॉलर गिवन है, और गिवन है तो ये क्या हो गया, सही हो गया।
बोलो आसान हुआ। इसी तरह से आगे आओ, सी एंड ई गिवन है यहाँ पे। अगर सी और ई गिवन है इसका मतलब है कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट से राइट गिवन है, लेफ्ट से राइट गिवन है तो चेक करो बीच में कितने सिंबल है, परसेंटेज और एंड। अगर परसेंटेज और एंड है तो यहाँ पे देखो ये परसेंटेज है और ये एंड है, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी हाई होती है? आप बोलोगे सर इन दोनों में प्रायोरिटी हाई होती है ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? एंड की। यानी कि ये एंड का सिंबल आपको कंक्लूजन में मिल रहा है, आपको ये सर मिल रहा है, इसका मतलब है ये कंक्लूजन भी सॉल्व। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका एक शॉर्ट ट्रिक का सेशन जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे और किस तरीके से आप कोडेड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाकर के कुछ 5-10 क्वेश्चन उठाइए, थोड़ा चेंज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत है तो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, सर ये क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं हुआ, मैं आपको उसी क्वेश्चन को एक और वीडियो डेवलप करूंगा और उसी क्वेश्चन को उसी ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ओके, चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.